तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 क्लास डॉक्टर केसी सिन्हा का, तो परमेय चैप्टर परमेय संख्या इस चैप्टर का नाम था। और यहाँ पे हम थ्री डी देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी प्ले लिस्ट का। डॉक्टर केसी सिन्हा 7 क्लास 8 क्लास सुगम विज्ञान, तो प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर सभी चीज़ का मतलब सभी वीडियो मिल जाएगा सभी पार्ट का। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में प्रथम परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से घटाना है, ठीक है। हमने इससे पहले वाले में भी देखे थे योग यानी जोड़ना, और इसमें हम लोग देखें घटाना। तो सिंपली हमको घटाओ तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे भिन्न का घटाओ यानी परिमेय संख्याओं का घटाओ देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो ध्यान से देखना है कि प्रथम परिमेय संख्या को यानी जो पहला में है, तो पहला में जो पहले लिखा हुआ है उसको, ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या से घटाना, यानी दूसरी परिमेय संख्या से घटाना है। मतलब कि सोल्व लिखने के बाद में लिखेंगे कि -7/3 जो है वो दूसरी परिमेय संख्या, उसमें से हमको घटाना है पहला परिमेय संख्या यानी कि 5/13। माने 7/13 में से माइनस करेंगे 5/13। अब 13 और 3 का एलसीएम होगा 13 × 3 = 39, क्योंकि एलसीएम तो गुना कर देंगे, ठीक है, एलसीएम नहीं होगा तो अब 39 आया, 3 से भागा देंगे 13 आएगा, और 13 से भागा देंगे 3 आएगा, ठीक है। 13 गुना कर देंगे तो 13 × 7 = 91, ठीक है, -91, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 13 × 39 यानी 5 × 15। अब यहाँ पे अगर हम ऐड कर दें 15 और आपका 91 को, तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 9 × 10 यानी 10 माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में दोनों है तो माइनस माइनस दोनों जुट गया और बटा में 39 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चन बनाना है। बोल रहा है प्रथम परिमेय संख्या ये हुआ, उसको हमको दूसरा वाले परिमेय संख्या में से यानी 7/9 में से घटा देना है। तो सिंपल यहाँ पे सोल्व लिखेंगे, और 7/9 में से हमको घटा देना है किसको, -4/9 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 के एलसीएम लेंगे 9 होगा, नीचे एलसीएम सेम है, इसका मतलब हमको ऊपर भी सेम उतार देना है, 7 − − +4 हो जाएगा यानी 7 × 6 = 11/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इजीली इसको भी बना लीजिएगा, 8 कैल्शियम 8 हो जाएगा, लेकिन इसको हमको घटा देना है इसमें से, तो 5 में से 7 जाएगा, तो 7 − 2 = 2 बच जाएगा, तो इसको भी बना लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, तो सिंपल हमको मान ज्ञात करने ला होगा, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है, सोल्व लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, बराबर देख कर दे, 13 का एलसीएम लेंगे तो 13 ही होगा, नीचे एलसीएम सेम तो ऊपर सेम ही उतार देना होगा, तो -6 है, यहाँ पे -7 है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +7। अब 7 में से 6 घटाना, क्योंकि -6 है तो -6 घटेगा यानी 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और नीचे 13 है तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोल्व लिखेंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 × 36 = 72, और 72 जो है 24 से भी कट जाएगा, इसका मतलब इसका एलसीएम 72 होगा। तो आप एलसीएम जिस तरह से निकलता है उस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 24 से भागा देंगे 24 × 72, ठीक है, तो 24 × 72 यानी 7 × 21, और −36 × 72 यानी 19 × 38, ठीक है, 36 × 72 यानी 19 × 38 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 38 हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग 38 लिख देंगे, 19 × 38। अब हम लोग घटाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे 21 कम है 38 ज़्यादा है, तो 38 में से हमको 21 को घटाना है, यानी 8 में से 1 जाएगा तो 7, और 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 17 बचेगा 72, चूँकि माइनस में ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि −38 बड़ा है, 38 वाला चेन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे −17/72 हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको अगला नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बनाना है। तो यहाँ पे 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, तो आपका 25 × 50, 25 × 75, 75 से 15 भी कट जाएगा, 15 से 75, 15 × 15 = 15, 15 × 45, 15 × 64, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तो 75 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 15 × 5 = 75 यानी 13 × 5 = 65, और माइनस हो जाएगा 25 × 75 यानी 12 × 36, 36 घट जाएगा यानी 15 में से 6 जाएगा 9, 5 में से 3 जाएगा 2, 29/75, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से घटा लेंगे, 65 में से 36 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर। तो अगला हम देखेंगे आपका, अगर इस दौरान कोई मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी, ठीक है। तो तीसरा नंबर ज्ञात करें, तो यहाँ पे सिंपली इसको भी ज्ञात करना है। तो तीसरा नंबर हम यहाँ पे बनाए हुए हैं,
तो पहला नंबर क्वेश्चन में तीसरा का पहला 5/63 है और यहाँ पे माइनस है, -6/11 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस लिख दिए। अब 63/11 का एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 693, क्योंकि गुणा करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। तो 63 में अगर 693 में भागा देंगे तो 11 आएगा, और 11 से अगर इसमें भागा देंगे तो 63 आएगा, ठीक। तो सिंपली हम लोग 63 से गुना कर देंगे, 11 × 5 = 55 और 63 × 378, ठीक है, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 333/693। तो बुक में आपका ये आंसर शायद ऐसा नहीं देता है, तो वो गलत है। दूसरा नंबर में 8/11 -3/8 और -7/11 है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, 11 8 का एलसीएम लेंगे तो 11 8 88, और यहाँ पे 8 से 88 में भागा देंगे तो 11 बचेगा, तो 11 में ऊपर से गुना करेंगे 3 में तो 11 3 33 हो गया, उसके बाद में माइनस तो माइनस, उसके बाद में 11 8 88 तो 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 और माइनस में दोनों, इसलिए दोनों जुड़ जाएगा तो 56 और 33 जोड़ेंगे तो 89 आपका माइनस में आंसर हो जाएगा, 89/88। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसी तरह से, तो यहाँ पे हमको 13 और 15 का एलसीएम लेना, तो -6/13 माइनस में -7/15 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 7/15, 13 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 13 और 15 का एलसीएम आपका गुना करना पड़ेगा, तो 15 3 45 के 5 और 15 1 15 15 4 19 195 आ जाएगा, तो मतलब गुना किए तो 63 गुना, क्योंकि 13 में से 195 भागा देंगे तो 15 आएगा, 15 में 195 भागा देंगे तो 13 आएगा, तो यहाँ पे 63 हम लोग गुना कर देंगे तो 15 6 90 हो जाएगा, ठीक है, 15 6 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 6 90 होने के बाद में माइनस में 90 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 6 है, और 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 91 में से 90 घटेगा क्योंकि माइनस में 90 है, तो सिंपली 1 बचेगा, 1/195 आपका आंसर हो जाएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है पूर्णांक में दिया, तो पूर्णांक सबसे पहले हम तोड़ लेंगे, तो 9 2 18 और ऊपर में 1 जुड़ जाएगा, 19/9, पूर्णांक इसी तरह से टूटता है, सबको पता होगा, 19/9 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस में है तो -19/9 होगा, यहाँ पे माइनस है तो -6 है तो 6, और नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, क्योंकि परमेय है तो परमेय नियत बनाएंगे, ठीक है। इसको अब 9 1 का एलसीएम तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 × 1 9 ही होगा, तो अभी 63 इसको भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि गुना करके कहें तो 9 में भागा देंगे 9 में तो 1 आएगा, और 1 में 9 से भागा देंगे 9 आएगा, तो 19 × 1 तो 19 ही आएगा, माइनस में माइनस तो माइनस यहाँ पे देंगे, उसके बाद में 9 6 54 तो माइनस में 54, दोनों माइनस में, इसलिए दोनों माइनस में एक ही जाति का है, तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएगा, तो 54 और 19 कितना हुआ, तो 73 माइनस में हो जाएगा और बटा में 9, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 और 36 का एलसीएम ले लेना है और सिंपली इसको बना लेना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित को घटाएं, ठीक है, तो मतलब 3 को 4/-5 से घटाना है, ठीक है, 3 को हमको घटाना है 4/-5, तो सोल्व लिखेंगे और उसके बाद अगला स्टेप होगा 4-5 है उसमें से घटाना है 3 को, तो नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे जो माइनस में नीचे है लेकिन हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, 5 1 का एलसीएम 5 ही होगा, और 5 5 में भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे तो सिंपली 4 आएगा, ठीक है, माइनस में 4 होगा क्योंकि माइनस में है नीचे ये परमेय संख्या, और इधर माइनस देंगे उसके बाद 1 5 5 यानी 15 होगा, ठीक है, तो माइनस में ये भी होगा क्योंकि ये माइनस है, तो -15 और -4 -19/5 सिंपल ये होगा। अब यहाँ पे 0 को 1/-8 से, तो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 1/-8 है उसमें से अगर 0 घटाएंगे तो आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसका 1/-8 ही होने वाला आंसर है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही आंसर हो जाएगा, सिंपली आंसर लिख दीजिएगा, और चाहे तो आप लोग बना सकते हैं इसको, ऐसा मैं तो भी बनाया हुआ है पीछे। 5 5 का एलसीएम 5, यानी इसको इससे घटाना, यानी -2/5 को घटाना है इस -2/5 को, यानी इसमें से इसको घटाएं, तो यहाँ पे ये लिखें माइनस, दोनों माइनस में यहाँ पे घेर देंगे, अब चूंकि यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, ठीक है, 5 5 के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 5 ही आने वाला है, नीचे सेम ऊपर सेम उतार देंगे, -2 अब माइनस माइनस प्लस उसके बाद 2 है तो 2, अब 2 में से 2 गया 0/5, और 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका आंसर भी 0 आने वाला है, ठीक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो पाँचवा नंबर में कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं में इसके ऋणात्मक को जोड़कर परिणाम ज्ञात करें, इसका ऋणात्मक मतलब योज प्रतिलोम, तो हम लोग अगर किसी भी संख्या का योज प्रतिलोम को अगर दोनों को हम लोग जोड़ें तो उसका परिणाम 0 आता है, यह अपन को सभी को पता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं,
पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला में हो जाएगा माइनस दो बटे पाँच है। सॉल्व लिखेंगे सिंपल, माइनस दो बटे पाँच है, इसका योज प्रतिलोम को जोड़ना है, यानी जोड़ना है, इसका योज प्रतिलोम हो जाएगा दो बटे पाँच। ठीक है, पाँच पाँच के एलसीएम तो पाँच ही होने वाला है, और नीचे सेम तो ऊपर सेम ही उतार देंगे, पाँच माइनस में दो और प्लस में दो, तो दो में से दो घट जाएगा क्योंकि दो एक प्लस में एक माइनस है, तो जीरो आ जाएगा और जीरो बटे पाँच बराबर में जीरो आएगा। ठीक है, तो सभी का आंसर जीरो आने वाला है, तो इसको हम दो तीन बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे तीन बटे सात है, तो इसका यूज प्रतिलोम ऐड करेंगे कौन, माइनस तीन बटे सात। ठीक है, माइनस तीन बटे सात, तो यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस करने के बाद सात एलसीएम लेंगे, तो नीचे सब सेम ही है तो ऊपर भी सेम, तीन माइनस में तीन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब तीन में से तीन गया जीरो बटे सात हो गया, सात में जीरो से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन इसी तरह से होगा। ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये नीचे में माइनस है तो आप ऊपर में माइनस तीन बटे सात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से बना लीजिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए घटाव के दो तथ्य को लिखें। तो घटाव के दो तथ्य को लिखना है, तो इसमें सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे सोल्व लिखने के बाद में भी, और इसी तरह से, और यहाँ पे जो सात बटा छः है, ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, आठ बटा छः इधर है, अब यहाँ पे जो एक बटा छः था ना उसको हम इधर लाएंगे, इधर यानी इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में एक बटा छः। तो ये पहला तथ्य हुआ घटाव का। ठीक है, कि इसको घटाने से, इसमें से ये घटाने पर आपको ये मिला सात बटे छः, पहला तथ्य हुआ। उसके दूसरे होगा आपका एक बटे छः इधर ही रह जाएगा, ठीक है, और बराबर आठ बटे छः के इधर में आ जाएगा, जो ये सात बटे छः दिख रहा है आपको, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, तो यानी आठ बटे छः में से माइनस कर देंगे सात बटे छः, यानी इधर तो प्लस में ही, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में होता तो प्लस में हो जाता है, तो ये दूसरा तथ्य हो गया। तो इसी तरह से हम लोग सभी में लिख देंगे, जैसे कि पाँच बटे आठ है, ठीक है, तो पाँच बटे आठ इधर ही रहेगा, आपको सात बटे आठ है तो आपको उधर भेज देना है, दो बटे आठ को प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला तथ्य। फिर अगला स्टेप में क्या होगा कि दो बटे आठ को इधर ही रहने देंगे, और आपको यहाँ पे सात बटे आठ है तो इधर आ जाएगा माइनस पाँच बटे आठ, ये दोनों तथ्य है। ठीक है, पहले कोई भी इनमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी वन बटे सेवन प्लस दो बटे इक्कीस है, तो इसको इधर कर देंगे एक बार इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों प्लस में इधर है तो माइनस में उधर हो जाएगा। जैसे कि एक बटे सात को अगर हम इधर ही रहने देते हैं तो पाँच बटे इक्कीस है, इधर आएगा दो बटे इक्कीस, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा दो बटे इक्कीस, दोनों घटाएंगे तो ये आ ही जाएगा, ये सिंपल सेम ही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख ले तो वन बटे इक्कीस है, माइनस कर देंगे दो बटे इक्कीस अगर हम पाँच बटे इक्कीस में से, तो आ ही जाएगा। इसे मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्कीस एलसीएम हो जाएगा, इक्कीस इक्कीस तो ऊपर सेम, पाँच माइनस दो तो बचेगा कितना, तीन, तीन बटे इक्कीस, तीन सत्ते इक्कीस, एक बटे सात ही आया है ना ऊपर एक, तो इस तरह से हमको सिर्फ उस तरह से लिखना है, बनाना नहीं है। ठीक है, एक बार इसको भेज देंगे इधर, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। और एक तथ्य हमको भारी सेवन नंबर क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जो भी फील करना, वहाँ पे हम लोग एक्स इस तरह से फील कर देंगे, एक्स मान लेंगे, वहाँ पे एक्स होगा, तो अगर हमको यहाँ पे एक्स था तो एक्स का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे इधर है प्लस में, अगर इधर हम इसको भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और इधर हम सोल्व करके जो आंसर आएगा वो एक्स का मान हो जाएगा, यानी यहीं वही जो फील करने वाला जगह है वहाँ पे वही चीज़ भर आएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे, तो सिंपल सी ऐसे बनाएंगे कि मान लिया जाए तीन बटे चौदह तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस जो फील करना वहाँ पे एक्स अगर होता तो यहाँ पे माइनस दो हो गया होता। ठीक है, अब एक्स क्या था तो एक्स को इधर रहने देना, माइनस दो इधर है, प्लस में है तीन बटे चौदह, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तीन बटे चौदह। ठीक है, माइनस में तीन बटे चौदह हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक है, अब चौदह एलसीएम लेंगे, तो चौदह एलसीएम लेंगे, तो चौदह एलसीएम ले लिए, तो एक से चौदह में भागा देंगे, चौदह ही आने वाला, चौदह में एक, चौदह से भागा देंगे एक आने वाला, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो चौदह दुनिया अट्ठाईस, माइनस अट्ठाईस होगा। ठीक है, माइनस अट्ठाईस होगा, और यहाँ पे माइनस तो है ही कंपनी में, और यहाँ पे तीन इकाई तीन हो जाएगा, यानी दोनों माइनस में, यानी दोनों जोड़ देंगे तो अट्ठाईस और तीन आपका इकतीस होगा, तो माइनस इकतीस बटा चौदह वहाँ पे ये आंसर होगा, तो यहाँ पे यही भराएगा इकतीस बटे चौदह, तो सिंपली अगर ये माइनस दो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फील करना है, यहाँ पे एक्स मान लेंगे और ये आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा, अब इसी तरह से बनाना। ठीक है, अभी हम इधर इसी तरह से शॉर्टकट बता देते हैं, तो पाँच बटे सात है, एक बटे छः इधर आएगा, और तो इधर तो एक से रहने वाला है। ठीक है, इधर एक से रहने वाला है, तो यहाँ पे सात छः का एलसीएम लेंगे, सात छः का बयालीस, तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, छः पचे तीस और माइनस सात इक्कीस सात। ठीक है, क्योंकि छः में बयालीस से भागा देते सात ही आता, तो सात में से अगर आपका तीस में से सात घटा दें
तो कितना बचने वाला है, तो आपका बचेगा 23, 23/42 इसका आंसर होगा, वहाँ पे 23/42 बनाएगा। यहाँ पे x रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2/3, माइनस में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 7/9, ठीक है। अब यहाँ पे 9/3 का एलसीएम तो 9 ही होने वाला है, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 3 9 3 आएगा, तो 3 में माइनस 2 में गुना कर देंगे तो 3 2 6, अब यहाँ पे माइनस है, 9 में 9 से भागा देंगे 1 आएगा, तो 1 में ऊपर 7, ऊपर में 7 से गुना कर देंगे तो 7 ही आएगा। अब 7 और 6 दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगा, 7 6 13, माइनस 13 और बटा में 9, माइनस 13/9 इसका आंसर होगा, ठीक है, तो -13/9 होगा, -13/9 यहाँ पे हम लोग फेल कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम बनाएंगे तो 9 9 का एलसीएम 9 होता है, और यहाँ पे -13/+7 होगा, और 7 में से अगर 13 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6/9 माइनस में बचेगा क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6 और 3 3 9, तो -2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा, बड़ा सिंपल है, तो ये आपका भी इसी में यहाँ पे भी एक्स रखेंगे, इसको इधर कर देंगे और बना लेंगे तो बन जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पेंट कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब के लिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।